एवरीवन, सो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं लखपत और हमने परमिशन पहले ही ले ली है यहाँ के घूमने वाले कुछ चूज करने के लिए। एकदम ही रिमोट प्लेस पर है एंड दिस इज इंडियाज फर्स्ट गुरुद्वारा। नानक देव जब पाकिस्तान से इंडिया की ओर आए तो वो यहाँ पर उनके कदम पहले पड़े थे और जिस पावन भूमि पर अभी हम खड़े हैं वो गुरुद्वारा इंडिया का सबसे पहला गुरुद्वारा है। हम अमृतसर जाते हैं और वो सब तो ठीक है, लेकिन इंडिया में सिटीजन की नींव जहाँ पर रखी गई वो है ये जगह। हम अंदर चलते हैं, माथा टेकते हैं और आगे आपको और बताते हैं इस जगह के बारे में। चलिए, तो अभी हम गुरुद्वारा की पावन इस दरबार में खड़े हुए हैं। मैं एक चीज़ आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। I don't know whether you are able to see it or not properly, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की काफ़ी कमी जाती है। अगर आप नज़दीक आने की कोशिश करें, I don't know, रिफ्लेक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन ये जो पालकी है, जब बाबा साहेब यहाँ पर ठहरे थे और जब यहाँ से जाने की बात की गई तो उनको भक्तों ने कहा कि आप यहाँ से जब चले जाएँ तो हमें आपकी याद में कुछ दे कर जाए, आपकी निशानी कुछ दे कर जाए। और तब नानक देव खुद इस चीज़ को यहाँ पर रख कर गए हैं। इनकी पादुकाएं भी यहाँ पर है, आई डोंट नो आप देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो पादुकाएं एक्चुअली मतलब कितनी पुरानी पादुकाएं आज भी यहाँ पर संभाल कर रखी गई है। और ये है हमारा ग्रंथ साहिब। ये जगह ऐसी है गाइस जो मतलब मैं नहीं मानता इस स्पेसिफिक जगह के बारे में किसी को पता होगा, बिकॉज द इश्यू इज़ दैट अमृतसर बड़ी पावन भूमि है, नो डाउट इन दैट, लेकिन अमृतसर की शुरुआत सिखिज्म की नींव इस जगह से इंडिया में रखी गई थी। एक दिक्कत जो यहाँ पर फेस करने को मिलती है कि ये जगह इतनी रिमोट है कि आज भी काफ़ी कम लोग, मेरे हिसाब से हमारे जो सिख बंधु हैं वो इस जगह के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो इस जगह के बारे में, आई डोंट सी एनी चांसेस के उनको इस धर्म इस जगह के बारे में पता हो। और मैं तो हालांकि यहाँ पर ये थर्ड टाइम आ रहा हूँ, थर्ड या फोर्थ टाइम, और मेरा एक्सपीरियंस हर बार यहाँ अच्छा रहा है। और क्योंकि गुरुद्वारा है और सिखिज़म की यही एक नींव रही है कि आप कभी भी गुरुद्वारा में जाए तो वहाँ पर लंगर ज़रूर आपको मिलता है और यहाँ पर लंगर हर हमेशा चालू रहता है। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था भी है, आप यहाँ पर चाहे तो रुक भी सकते हैं रात को। और यहाँ पर उत्सव भी बड़े अच्छे से मनाए जाते हैं। आज होली है तो बाहर थोड़ा डेकोरेट कर भी रखे हैं ये लोग। वीडियो में देखेंगे और यहाँ से विदाई ले उससे पहले मैं आपको इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा बता दूँ। तो गुरु नानक देव जी जब सऊदी अरब में मक्का मदीना के प्रवास के लिए निकले थे इन 15th century, तब वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर काफ़ी दिनों के लिए रुके थे। दिस इज़ द बेसिक हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस। और अब यहाँ से विदा लेने का वक्त आ चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।